नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, पागल राजा। पागल राजा, संपादक मनीष चंद्रगुप्त, लेखक सूरज, चित्र जयप्रकाश जगताप। रोहतासगढ़ नामक एक कस्बे में एक बहेलिया कुंदनलाल अपनी पत्नी और अपाहिज लड़के के साथ रहा करता था। लड़के का नाम सुंदरलाल था। कुंदनलाल पक्षियों और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करके अपने छोटे से परिवार की जीविका चलाया करता था। आज ढेर सारे पक्षी फंसे हैं, राधा देखकर बहुत खुश होगी। कभी कभी खाली हाथ लौटने पर उसे भूखा तो रहना ही पड़ता था, साथ ही पत्नी की जली कटी बातें भी सुननी पड़ती थी। आज फिर कुछ नहीं मिला, कैसी किस्मत है अपनी भी, न दो समय की रोटी मिलती है, न तन छुपाने के कपड़े, औलाद भी है तो बेबस लाचार, जो चल फिर भी नहीं सकती। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। ऐसी बातें मुंह से क्यों निकालती हो सुंदर की माँ, जब तक मेरे हाथों में ताकत है रूखी सूखी तो मिल ही जाया करेगी। एक दिन कुंदल के जाल में एक अनोखा पक्षी फंसा। भाई मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी और बच्चा मेरा इंतजार करते होंगे। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, अगर तुझे छोड़ दिया तो हम खाएंगे क्या, मेरा अपाहिज बच्चा भूखा रह जाएगा। मेरा बच्चा भी बीमार है भाई, यदि मैं उसका भोजन लेकर जल्दी घर न पहुंचा तो वह मर जाएगा। कुंदन को उस पर दया आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आज तुम्हारे लिए हम भूखे भी रह लेंगे, जाओ तुम्हें आज़ाद किया। ईश्वर तुम्हारा भला करे, नेक दिल इंसान, कल मैं इसी समय यहाँ फिर आऊँगा, तुम यहीं मिलना। जब इसे मैंने छोड़ दिया तो फिर कल क्यों आएगा, क्यों बुलाया है इसने मुझे। दूसरे दिन, दोस्त मेरे पीछे चले आओ। लेकिन कहाँ चलोगे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है भाई चलो, किंतु यह ध्यान रखना कि अभी मुझे जाल भी लगाना है। दोस्त इस पेड़ के तने से थोड़ा बक्कल उखाड़ लो। लेकिन किस लिए, इस बक्कल का होगा क्या। यह तुम्हारे बहुत काम की वस्तु है, पहले इसे उखाड़ लो। अच्छा भाई। जब कुंदन ने उस पेड़ का बक्कल उखाड़ लिया तो पंछी दूसरे पेड़ पर जा बैठा। अब इस पेड़ की कुछ पत्तियाँ भी तोड़ लो। कुंदन ने उस पेड़ की पत्तियाँ भी तोड़ ली। अब तुम बक्कल और पत्तियों को पीस लेना और अपने बच्चे के पाँव पर लगातार 3 दिन तक इसका लेप करना। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अजीब बात है, सही तरीके से बात भी नहीं की और चला गया। बक्कल और पत्तियाँ लेकर वह वापस आ ही रहा था कि अरे खरगोश, आज इन्हें ही पकड़ता हूँ। अब कम से कम पत्नी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। घर आकर इनको खूब पीसने के बाद 3 दिन तक सुंदर के दोनों पैरों में मालिश करनी है। अच्छा जी, जब तक मैं इन्हें पीसती हूँ तब तक आप आराम कर लें। कुंदन की पत्नी ने 3 दिन तक सुंदर के पैरों की मालिश की और चौथे ही दिन, माँ माँ देखो मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता हूँ माँ। मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू ठीक हो गया, सचमुच भगवान बड़ा दयालु है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, तूने मेरे बुढ़ापे की लाठी बना दी है। कुछ दिन बाद सुंदर लाल की सेहत भी अच्छी हो गई, अब वह किसी राजकुमार से कम नज़र नहीं आता था। एक दिन, पिताजी मैं किसी और शहर में जाकर काम तलाश करना चाहता हूँ, अब मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। क्यों बेटे, मेरी हालत को क्या हो गया है, भला चंगा तो हूँ। मेरे होते हुए आपका यूँ जंगलों में भटकना अच्छा नहीं लगता। बेटे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, हर बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, जाओ जहाँ जी चाहे वहाँ जाकर काम तलाश करो। दूसरे दिन सुंदर दूसरे शहर के लिए चल देता है। बेटे अपने खाने पीने का ख्याल रखना। 2 दिन चलने के बाद सुंदरलाल राजगढ़ नामक शहर में आ पहुंचा। यह शहर तो बहुत सुंदर है, मुझे इसी शहर में काम तलाश करना चाहिए। वहां के राजमहल में उसे शाही अस्तबल की देखरेख और घास काटने का काम मिला, जिसे वह पूरी लगन के साथ करने लगा। 1 सप्ताह के अंदर ही उसका काम देखकर महाराज बहुत खुश हुए। हम तुमसे बहुत खुश हुए नौजवान, यह तुम्हारा इनाम है। धन्यवाद महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। कोतवाल ने हमें सूचित किया है कि कोई चोर रात को घास के गट्ठर ले जाता है। महाराज आप यह काम मुझ पर छोड़ दें, मैं उस चोर को जरूर पकड़ लूँगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी जवान। अच्छा महाराज प्रणाम। यहाँ के लोग तो कहते हैं कि महाराज सन की पागल हैं, किंतु मैं देख रहा हूँ महाराज बड़े दयालु और नेक दिल इंसान हैं। अब सुंदर दिन में सोया करता था और रात को जागकर रखवाली किया करता था। एक रात को, हे भगवान यह कैसा विचित्र पहाड़ जैसा लंबा आदमी है, ऐसा मनुष्य न कभी देखा न सुना। अरे
यह तो घोड़े की आकृति में बदलता जा रहा है। घोड़ा आगे बढ़ा और देखते ही देखते चार गट्ठर घास खा गया। अगर यह इसी तेजी से खाता रहा तो सारी घास खा जाएगा और फिर पहाड़ जैसा रूप धारण करके उड़कर चला जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा, यह तो अब मेरी तरफ ही आ रहा है। और जब सुंदर को कुछ न सूझा तो उसने घोड़े पर छलांग लगा दी। अब भगवान ही मालिक है। उफ, कितनी सख्त खाल है इसकी, इसके बाल मजबूती से पकड़े रहूं, कहीं यह मुझे नीचे न गिरा दे। अचानक राक्षस घोड़ा सुंदर को गिराने के लिए उछल कूद मचाने लगा। हिं हिं। जब वह सुंदर को गिराने में सफल न हो सका तो अपने असली रूप में आ गया। हा 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 हा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे, इसकी आवाज है या बादलों की गर्जन। अनजाने में राक्षस का सिंह सुंदर के हाथ में आ गया और ई, इसका मतलब इसकी जान इसके सिंह में है। सुंदर ने उसके सिंह पर छड़ी से वार किया। रुक जाओ रुक जाओ, अब मुझे मत मारना वरना मैं मर जाऊंगा। अब आए हो रास्ते पर, आज तक मुझे कोई छू भी ना पाया था किंतु तुमने मुझे परास्त कर दिया। मुझे अब ना मारना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। वादा करते हो मेरे साथ रहने का? हाँ मालिक, मैं हमेशा आपका गुलाम बनकर रहूंगा। आज से तुम मेरे साथ यहीं शाही अस्तबल में घोड़ा बनकर रहोगे। मुझे मंजूर है। ठीक है, अब तुम फिर से घोड़ा बन जाओ। राक्षस घोड़े को अस्तबल में बांधकर सुंदर आराम से सो गया। सुबह उठते ही सुंदर सीधा महाराज के पास पहुंचा। महाराज, मैंने आपका घास चोर पकड़ लिया है। क्या, क्या तुमने पकड़ा है? वाह, क्या शानदार घोड़ा है, अपनी जिंदगी में मैंने इतना शानदार घोड़ा नहीं देखा। आश्चर्य होता है कि इतना शानदार घोड़ा घास चोर कैसे हो सकता है। हम तुमसे प्रसन्न हुए सुंदर, आज से तुम शाही अस्तबल के प्रबंधक नियुक्त किए जाते हो। जैसी आज्ञा महाराज की। सुंदर लाल के प्रबंधक बनने से अस्तबल का पुराना प्रबंधक उससे जलने लगा। जरा से छोकरे ने मुझसे मेरा पद छीन लिया, मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा, कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। वाह, महाराज को हमेशा से तीन वस्तुओं की कामना रही है। इन वस्तुओं की तलाश में कई लोग गए किंतु कभी वापस नहीं लौटे। क्यों ना महाराज से कहकर सुंदरलाल को। वाह, योजना अच्छी है। वह दूसरे दिन महाराज के पास पहुंचा। महाराज, सुंदरलाल बहुत ऊंची ऊंची बातें करने लगा है। कहता है कि महाराज जिन तीन चीजों को चाहते हैं उन्हें लाना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। वाह, खूब याद दिलाया तुमने, उसे तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए, वह बखूबी यह काम निपटा सकता है। अभी भेज देता हूँ महाराज। फिर सुंदरलाल के आते ही, सुंदरलाल तुम तुरंत जाओ और मेरे लिए अपने आप बजने वाला ढोल, नाचने वाली बतख और गाने वाला मोर लेकर आओ। महाराज, मैंने तो ऐसी चीज़ों का नाम तक नहीं सुना, फिर कहाँ जाऊँ, किधर तलाश करूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना मिले, ये तीनों चीज़ें ला कर दो। अगर सफलता मिली तो ढेर सारा इनाम देंगे, वरना हमारी तलवार होगी और तुम्हारा सिर। समझ गए, अब जाओ यहाँ से। सुंदर सिंह सिर झुकाए चुपचाप अस्तबल में आ गया। क्या बात है मालिक, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं दोस्त, जब मैं यहाँ आया था तो कुछ लोगों ने कहा था यहाँ के महाराज पागल हैं, किंतु मैं नहीं मानता था। आज मुझे मानना ही पड़ा कि सचमुच महाराज पागल हैं। सुंदर ने घोड़े को सब कुछ बता दिया। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम जादूगरनी सारे गामा के पास चलते हैं, उसे जरूर कुछ मालूम होगा। अगले क्षण सुंदर राक्षस घोड़े पर सवार हो गया और घोड़ा उड़ चला। अरे भाई, जरा धीरे उड़ो, मुझे डर लग रहा है। मेरे मालिक, आप बिल्कुल ना डरे, बस कस के मुझे पकड़े रहें। उड़ते उड़ते सुंदर की नज़र जंगल में बने एक महल के ऊपर पड़ी। क्या वही महल है सारे गामा जादूगरनी का? अरे अरे, ये महल तो घूम रहा है। हाँ मालिक, यह ऐसे ही घूमता रहता है और यह महल कुत्ते की पूंछ पर टिका हुआ है। क्या? घोड़ा महल के निकट ही उतर गया। घोड़े से महल में प्रविष्ट होने का तरीका जानकर सुंदर महल के पास पहुंचा। ए महलों के विचित्र महल, रुक जा, इस तरह कि दरवाजा मेरी तरफ और पिछवाड़ा जंगल की तरफ हो। सुंदर के मंत्र बोलते ही महल स्थिर हो गया और महल से सीढ़ियां निकलकर जमीन पर आ लगी। वाह, क्या महल है, इसकी जादूगरनी कैसी होगी। आह, यह कौन आया मेरे घर, न खौफ है न डर, कहाँ से आ रहे हो, किधर का इरादा है। चाची, क्या इस तरह से अपने मेहमानों का स्वागत करती हो,
हमारे यहाँ तो मेहमानों की बड़ी आवभगत की जाती है। बेटा, तुमने मुझे चाची माना है, आओ अंदर चलो। धन्यवाद चाची। सुंदर की आवभगत करने के बाद जादूगरनी ने पूछा, अब बताओ इधर कैसे आना हुआ? सुंदर ने पूरी घटना जादूगरनी को सुना दी और फिर उससे सहायता मांगी। क्या इन चीज़ों के बारे में आप कुछ जानती हैं? जानती हूँ मेरे बच्चे, मगर तुम अपनी जान से क्यों खेलना चाहते हो? कितने ही जवान गए किंतु कोई वापस नहीं आया। जाओ, तुम वापस चले जाओ, अभी तुम्हारे हंसने खेलने के दिन हैं। जो होना होगा वह होकर रहेगा, फिर मुंह मोड़ के चले जाने वालों को मैं कायर समझता हूँ। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक गेंद दूंगी, उसे तुम जमीन पर रख देना, वह तुम्हें मेरी बड़ी बहन ताता थैया के पास पहुंचा देगी, वही तुम्हारी मदद करेगी। अब तुम आराम करो बेटे। सुबह, लो बेटे यह गेंद है और पोटली में कुछ खाने की चीज़ें हैं जो सफ़र में काम आएंगी। धन्यवाद चाची। अच्छा अब चलता हूँ। दोस्त, अब उस गेंद के पीछे चलना है। जैसा आदेश मालिक का। जिस जगह गेंद रुक जाएगी वहीं आसपास कहीं दूसरी जादूगरनी का महल होगा। मुझे मालूम है मालिक। शाम तक वह चलते रहे, तभी एक जगह गेंद रुक गई। बस दोस्त, यहीं आसपास कहीं जादूगरनी का महल होना चाहिए। अरे ऊपर देखो, यह महल तो अधर में लटका घूम रहा है। अधर में नहीं मालिक, यह विशाल पक्षी भेरुंड की चोंच में लटका हुआ है। सुंदर ने महल के सामने खड़े होकर वही मंत्र दोहराया। महल में प्रविष्ट होते ही उसे जादूगरनी नजर आ गई। अरे पहले वाली जादूगरनी ने तो कहा था कि यह मेरी बड़ी बहन है, लेकिन यह तो उससे छोटी नजर आ रही है। आहा, इंसानी खून, कौन हो तुम, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ का इरादा है? चाची, मुझे आपकी बहन सारे कमा ने भेजा है। अच्छा तो तुम मेरी बहन के भतीजे हो, आओ आओ बैठो बेटे, जैसे तुम उसके भतीजे वैसे मेरे। जादूगरनी ने सुंदर के लिए भोजन का प्रबंध किया। इसी बीच सुंदर ने उसे अपने आने का कारण बताया। भोजन के बाद जादूगरनी ताता थैया बोली, तुम्हें हमारी बड़ी बहन धिनक धिनक धाम के पास जाना होगा, वे तीनों जादुई खिलौने उसके लड़के राग भयंकर के पास है, पर उसे तुम अपने जैसा ना समझना, वह पहाड़ की सुरंग में रहता है, आग उगलता है और इंसानी मांस खाता है। चाची, अगर वह हमारे जैसा नहीं है तो फिर कैसा है? वह एक भयंकर अजगर जैसा जानवर है जो उड़ भी सकता है, उसको देखकर इंसान कांपने लगता है। मैं उसको देखकर डरने वाला नहीं, बल्कि उससे तीनों खिलौने लेकर आऊँगा। मेरी बात मानो तो वापस चले जाओ बेटे, वह पूरा शैतान है, उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता। पीछे हटना बहादुरों का काम नहीं है चाची। तो ठीक है, मैं अपने पालतू बाज को अपनी बहन को सूचित करने भेज देती हूँ कि तुम मेरे भतीजे हो, इसलिए वह तुम्हारी मदद कर दे। और अगले दिन सुबह जादूगरनी ने एक तीर कमान उठाते हुए कहा, मैं यह तीर चला रही हूँ, तुम इसका पीछा करते हुए मेरी बहन तक पहुँच जाओगे। धन्यवाद चाची, आप तीर छोड़िए, मैं तैयार हूँ। जादूगरनी ने धनुष से तीर छोड़ दिया। इस तीर का पीछा करो दोस्त। अंततः तीर एक पहाड़ की चट्टान में धंस गया। मालिक, इसी पहाड़ के आसपास होना चाहिए तीसरी जादूगरनी का महल। हाँ, अरे वह रहा, लेकिन यह भी पहले महलों की तरह अधर में लटका हुआ है। मालिक, महल को एक तरफ से घोड़े ने व एक तरफ से हाथी ने उठा रखा है। सुंदर बेधड़क महल में प्रविष्ट हो गया। आओ बेटा, मेरी बहन के बाज ने सब कुछ बता दिया था, आओ अंदर आ जाओ, डरो नहीं। अजीब चक्कर है, ये तो पहली वाली दोनों से भी छोटी नजर आ रही है, जबकि है सबसे बड़ी। सुनो बेटे, होशियार रहना, ये समय मेरे बेटे राग भयंकर के आने का है, तुम तहखाने में छुप जाओ और जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आना। जैसी आपकी आज्ञा चाची। तभी बाहर से फुफकारने की आवाज़ आने लगी। बेटे वह आ गया, जल्दी उस दरवाजे से नीचे उतर जाओ। अभी वह तहखाने में उतरा ही था कि इंसानी खून, इंसानी खून। ए माँ, यहाँ कौन आया था, जल्दी बता, मेरे दांत उसकी हड्डियाँ चपाने के लिए तड़प रहे हैं, इंसानी मांस खाए जमाना हो गया, कहाँ है मेरा शिकार? नहीं बेटा, यहाँ कोई इंसान नहीं आया, तुम अपने साथ ही इंसानी खुशबू लाए हो, चलो खाना खा लो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।